इसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। थ्योरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टफनेस ऑफ स्टील। तो इसके लिए डायरेक्ट याद रखना है, टफनेस ऑफ स्टील के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टफनेस ऑफ स्टील क्या होता है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टफनेस ऑफ स्टील, तो क्या होगा इसका आंसर, मैग्नीज। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है एक मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है क्या है, लिस्ट वन दिया है, लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, लिस्ट टू ठीक, दोनों को मैच करना है ठीक। क्या दिया है, ए दिया है डक्टिलिटी, फिर बी दे दिया है ब्रिटलनेस, सी ऑप्शन है टेनेसिटी, फिर डी ऑप्शन है टफनेस ठीक। उसके बाद इस साइड है वन पॉइंट करके, फेलियर विदाउट वार्निंग ठीक। सेकेंड है ड्रॉन परमानेंटली ओवर ग्रेट चेंज ऑफ शेप विदाउट रप्चर ठीक। उसके बाद थर्ड है सी है, वन टू थ्री है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस ठीक, हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक। इसको मैच करना है कॉलम को और ऑप्शन नीचे में दिया था ठीक। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है तो सब पॉइंट को डील किए हुए हैं, सब क्या क्या होते हैं ठीक। तो पहला देखते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ठीक, लार्ज यील्डिंग होगा फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उसके बाद फेलियर होगा ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, ड्रॉन परमानेंटली ओवर ग्रेट चेंज ऑफ शेप विदाउट रप्चर ठीक। तो इसका इसके लिए होगा डक्टिलिटी का ए का टू ठीक। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस मतलब ऐसा मटेरियल जो बिना किसी इंडिकेशन के फेल होगा ठीक, मतलब बिना किसी वार्निंग के फेल होगा, दैट मीन्स फेलियर विदाउट वार्निंग। तो ब्रिटलनेस का क्या होगा, बी का वन। टेनेसिटी भी बताया था मैंने, द मटेरियल विच हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक, तो टेनेसिटी सी का क्या होगा, फोर। और डी क्या है, टफनेस में बताया था मैंने किसी मटेरियल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई मटेरियल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है टूटने से जस्ट पहले ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, दैट इज टफनेस ठीक। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, इसे सिंगल भी क्वेश्चन दिया जा सकता है इसको, इसमें तीन चार क्वेश्चन बन जाएगा है ना ठीक। ये भी प्रीवियस ईयर ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, और स्ट्रेस पे ही बेस्ड है। स्ट्रेस की बेस्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन है, दैट इज एक स्टेप्ड कॉलम है, अ स्टेप्ड कॉलम कैरीज लोड इन एज शोन बिलो, ठीक, व्हाट इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द कॉलम एट बी इन लार्जर डाया कॉलम, ठीक, एक स्टेप्ड कॉलम है, ठीक, इसका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर बना देता हूँ, इस तरीके से है, इस टाइप से है, यहां पे क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा था, और यहां पे भी पी लोड लग रहा है, यहां पे भी पी लोड लग रहा है, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक, ये इसके लिए जो लेंथ है वो एल है और एरिया ए है, ठीक, लेंथ एल और एरिया क्रॉस जो एरिया आएगा जिसके नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक, इस एरिया के नॉर्मल लग रहे हैं, ठीक, इस टाइप से है ना, इस टाइप से लग रहा है जो वो होगा एरिया ए, और इसके लिए क्या है 1.5 सॉरी एल है, लेंथ सेम है दोनों का लेंथ, और 1.5 टाइम्स एरिया है, एरिया क्या है, बड़ा है, दिखाई दे रहा है एरिया क्या है, बड़ा है, ठीक, तो इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, अ स्टेप्ड कॉलम कैरीज लोड एज शोन बिलो, व्हाट इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द कॉलम एट बी इन लार्जर डाया कॉलम, ठीक, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा इन लार्ज एट बी इन लार्ज डाया कॉलम, ठीक, इस पे जो मेरा स्ट्रेस का वैल्यू जो आएगा, ठीक, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक, दैट मीन सिग्मा क्या होगा बोल रहा है, इसके लिए इस लार्ज डाया जो कॉलम है उसके लिए बी पॉइंट पे, ठीक, वही कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स है, तो मेरे को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे क्या आएगा, एक रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक, तो ये पी है इस साइड जो आएगा वो 2P होगा, सिंपल है ना, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, ऊपर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा फ्री एंड से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, तो फ्री एंड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक, ये दिस इज ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेस देखना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये पी और यहाँ पे, ठीक, पी ये कट किया मैं सेक्शन, एक एक्स एक्स सेक्शन कट किया, तो ये क्या होगा, एक्स एक्स सेक्शन है ना, पी लोड लग रहा है इसके लिए, अब क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, पी अप्लाई होगा, तो स्ट्रेस क्या आएगा इसमें, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन लोड अपॉन एरिया का क्या है इसका ए, ठीक, क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ये किसके लिए है, ए से बी तक, यहाँ तक पूरा, ये लोड नहीं आया तब तक है ना, जस्ट इस पॉइंट तक सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होगा, बट मैंने कहाँ पे निकालना है, बी पॉइंट पे लार्ज डाया के लिए निकालना है ना, ठीक है, हुआ ए पॉइंट के, ए पॉइंट पे भी यही रहेगा सिग्मा ए, और सिग्मा बी भी देखूंगा, अगर स्मॉलर डाया वाला में देखूंगा है ना, ये भी लोड अप्लाई नहीं हुआ है तो क्या होगा, लोड अपॉन एरिया ही होगा वहां पे भी, बट आगे आता हूँ मैं है ना, लार्ज डाया के लिए इसके लिए देखता हूँ, तो कैसे आएगा इसमें कैसे आएगा, ठीक, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं काट करता हूँ, सेक्शन लेता हूँ एक्स एक्स, ठीक, यहाँ पे कट कर सकता हूँ, कहीं भी कट कर सकता हूँ, ठीक, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कटिंग होने के बाद है ना, ये पूरा आएगा पी, दिस इज पी, और यहाँ पे भी एक पी आ रहा है पी, ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 2P आएगा, पी प्लस पी, और इस साइड से 2P लगेगा है ना, क्या हो जाएगा, सिग्मा बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा,
टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है इस साइड से भी देखूंगा अगर बी पॉइंट पे, है ना, तो क्या होगा 2p आएगा, इधर से भी देखूंगा तो 2p आएगा, दैट मींस 2p अपॉन एरिया, एरिया कितना है 1.5 टाइम्स a, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन 15 p बाई a, दैट इज 4 बाई 3 p बाई a, इसको और सॉल्व करूंगा तो 1.33 p बाई a, ठीक ये होगा आंसर होगा, ये है आंसर अपना, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है इस पॉइंट, इस बी पॉइंट के लिए, ठीक। बी पे यहाँ पे, यहाँ पे देखूंगा सब जगह क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू 1.33 पी अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगर और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसको देखेंगे, अदरवाइज आगे आगे का टॉपिक कवर करेंगे, स्ट्रेन मॉडल डील करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन है यंग मॉडुलस, एक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर में गेट में आया हुआ है, मैकेनिकल ब्रांच में आया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। एक यंग मॉड्यूल, इफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ई, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के एंड द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज जी, पॉइजन रेशियो इज म्यू, देन विच में बी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बोल रहे हैं क्या क्या है मेरे पास, ई है, जी है, के है, म्यू है, ठीक। ई क्या है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी है, पॉइजन्स रेशियो म्यू है, देन बीच में भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, बोल रहे हैं करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन या फिर करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है ई इक्वल टू जी, ठीक, बी ऑप्शन है जी इज इक्वल टू के, सी ऑप्शन है ई इक्वल्स के, और डी ऑप्शन है ई इक्वल्स म्यू, ठीक। इसको देखते हैं, है ना, कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ई जी के म्यू के बीच में मेरे पास तीन फॉर्मूला है, ई इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है ई इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू, है ना, और एक और है ई इक्वल टू नाइन के जी अपॉन थ्री के प्लस जी, ठीक। इन दोनों फॉर्मूला देखते हैं, पहले इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकता हूँ मैं, म्यू इक्वल टू जीरो टू पॉइंट फाइव इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, ठीक। अगर म्यू इक्वल टू जीरो हो, म्यू इक्वल टू जीरो होगा तो ई और जी में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। म्यू इक्वल टू जीरो पे ई इक्वल टू टू जी और वन प्लस म्यू क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो डेट इज टू जी, ई की वैल्यू क्या आ रहा है टू जी, ठीक। और म्यू इक्वल टू अगर हाई रखता हूँ, मतलब हाई साइड या चलता हूँ, है ना, मैक्सिमम साइड, तो म्यू इक्वल टू अगर पॉइंट फाइव रखता हूँ तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा टू जी वन प्लस पॉइंट फाइव, ठीक, तो दैट इज नथिंग बट 1.5 इंटू टू थ्री जी, ठीक। तो ई का वैल्यू क्या आ रहा है, ई का वैल्यू टू जी से थ्री जी तक आ रहा है, ठीक, टू जी से थ्री जी तक आ रहा है, कोई ऑप्शन है तो इक्वल टू जी तो हो ही नहीं सकता, क्या ये क्या होगा, ई इज ग्रेटर देन, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, ठीक, e इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं 2g e 3g, ठीक, इस टाइप से लिख सकता हूँ, है ना, तो e equal to g है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक। सेकेंड देखते हैं e equal to 3 के 1 minus 2 mu में देखते हैं, ठीक, mu equal to 0 पुट करता हूँ अगर तो e की वैल्यू क्या आएगा, e equal to 3 के वन माइनस जीरो दैट इज थ्री के आया, ई की वैल्यू क्या आया
थ्री पे आया है ना, म्यू इक्वल टू जीरो पे, म्यू इक्वल टू पॉइंट फाइव पे क्या आएगा, ई इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू, ये जीरो हो गया है ना, वन माइनस टू म्यू, दिस इज वन माइनस टू म्यू मतलब टू इंटू पॉइंट फाइव, ये वन हुआ, वन माइनस वन जीरो, तो इक्वल टू ये हो गया जीरो, इक्वल टू म्यू इक्वल टू पॉइंट फाइव पे ई की वैल्यू जीरो आ रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहा है, ई का वैल्यू जो है वो जीरो टू थ्री के, ठीक। दैट मीन्स कहीं ना कहीं देख इसमें क्या है, टू जी के बाद हो सकता है टू पॉइंट फाइव जी हो, थ्री जी हो, ठीक, यहाँ तक जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो टू थ्री के, जीरो फिर के टू के थ्री के, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, किसी कोई वैल्यू म्यू होगा जो जीरो और पॉइंट फाइव के बीच में लाई करेगा, जहाँ पे ई और के का सॉरी ई इक्वल टू के होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ई और के जो है वो इक्वल है, कहाँ पे इक्वल है, कब, कौन से पॉइजन रेशियो के लिए ई और के इक्वल होगा, ठीक। तो उसको देख सकते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ई और के इक्वल है तो म्यू की वैल्यू क्या होगा, ठीक। कैसे ये बनेगा, ई इक्वल टू ठीक थ्री, इसको मैं क्या मान लिया, के इक्वल टू ई मान के चल रहा हूँ है ना, और मेरे कैलकुलेट क्या करना है, म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ई इक्वल टू थ्री ई वन माइनस टू म्यू ई ई कैंसल, ठीक, वन इक्वल टू थ्री वन माइनस टू म्यू है ना, ये हो जाएगा वन माइनस टू म्यू इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक, टू म्यू इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री इज नथिंग बट टू बाई थ्री, तो म्यू की वैल्यू क्या आया, टू टू कैंसिल हो गया, वन बाई थ्री इज नथिंग बट जीरो पॉइंट थ्री थ्री, ठीक। तो म्यू का वैल्यू जब पॉइंट थ्री थ्री होगा उस केस में बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। पॉइंट थ्री थ्री किसके लिए रहता है, पॉइजन्स रेशियो फॉर एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम के लिए म्यू की वैल्यू क्या होता है, पॉइंट थ्री थ्री होता है। तो एल्यूमिनियम के केस में के बल्क मॉड्यूलस के और ई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा गया। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ठीक, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन देखेंगे, बाई एक्सेल स्ट्रेन देखेंगे, और सेल्फ वेट के कारण से है ना इलोंगेशन क्या क्या होता है, डिफरेंट शेप के, जैसे कोई बॉडी है डिफरेंट साइज का है ना, उसमें इलोंगेशन कैसे हो सकता है, सेल्फ वेट के कारण कितना इलॉन्गेशन होगा, ये सब चीज देखेंगे फॉर्मूला वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। यहाँ तक प्रॉपर्टीज और स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एसी का बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई अदर स्टेट का जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो एग्जाम होता है, जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जिसका AEJEE लेवल के लिए, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर गुप्ता एंड गुप्ता से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर और बुक है मेडिजी पब्लिकेशन का आता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का बुक आता है मेडिजी पब्लिकेशन का, आप वो सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर बेसिक अगर क्लियर है तो आपसे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसी को अप्लाई करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। तो जो मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।